बोला औसान माई की जय। हम आप सबके सामने एक कहानी कहे जा रही, आप लोग कृपया उसे शांतिपूर्वक सुनिएगा मन लगाकर और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम एक थे पंडिताइन रहीन, बहुत पूजा पाठ करत रहीन हैं। तो उनके कुछ दिन बाद एक थे लड़किया हो थे, बेचारों हर बेफह के दूर दूरिया चबाएँ पूजा पाठ करें, हर बेफह के कहूँ ना कहूँ जुगाड़ के। लेकिन जब उनके बेटवा धीरे धीरे बड़ा हो लागत हैं तो फिर उसके बाद उनका और विश्वास बढ़ा था, बहुत अच्छा रहते हैं पढ़े लिखे में, बहुत आगे जाते हैं। फिर उसके बाद उनके शादी होते हैं, फिर उसके बाद जब उनके औरत आई थी तो उनका कुछ कुछ मन जोन बा बदले लागत है। कहते ना अम्मा हो ऐसा बा खर्चा बहुत बढ़ के बा, अब एक तू जोन बा महीना भर में दूध दाय करा करा। तब उसके बाद कहा थी कि अच्छा भैया चला ठीक बा जोने तोरे सब खुश है, तो अम्मा महीना भर में दूध दाय पूजा करे लागत थी नौसान माई के। तो फिर उनके पति ही कहा थी कि अम्मा हो ऐसा बा बहुत महंगाई खर्चा हो बा। कुछ दिन बाद कहा थी तब महीने भर में एक दाय करा करा, तब फिर वह बूढ़ा बेचारो मान जाथिन महीने भरे में एक दाय करा था। इधर इन पति पत्नी आराम से अपन जीवन जीवित रहा थे, लेकिन बूढ़ा संकोच के मारे कुछ कहतीन ना। फिर ओकरे पास कहतीन छः महीने में एक दाय करा करा, साल भरे में एक दाय करा करा। बेचारो जंगल में चली जाथिन, जंगल में जाथिन तो वहाँ पूजा करथिन औसान माई के। फिर ओकरे बाद धीरे धीरे इधर बूढ़ा जोन बा भीख मांग के जंगले में पूजा पाठ करें रोज़ औसान माई के, चाहे जैसे भी कही के उन पूजा पाठ करें अपन सुने सुना में सबका बुला में। फिर ओकरे बाद जोन बा इधर इनके सब धीरे धीरे गरीब हो लागत थे। उधर उन बूढ़ा सात जनी ने होता थी औसान माई दो दूरिया चबावत थी, धीरे धीरे गरीब। एक दिन भीख मांगत मांगत दोनों जनी जंगले में पहुँचे थे, तो कहा थे कि अरे अम्मा तू कहते ना अच्छा हमें माफ़ कर दे, चला हम तो का घरे लिए आई चल थी अम्मा, और हम सब औसान माई पूजा उजा सुनब जोन बाटे हमारे सब गलती हुई गई अम्मा तो का पहचान ना पाए। तब बूढ़ा खुशी खुशी अपने घरे चली जाती सुखी पूर्वक अपने परिवार के साथ रहे लागत थी।